नेक्स्ट टाइप इज टाइप फाइव इफ नेगेटिव ठीक है और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स आर इन्वॉल्व ये ठीक है विदनोमेट्रिक फंक्शंस दैट इज साइन एक्स कॉस एक्स ये ठीक है टेन एक्स सारे जितने भी ना देन ट्राई टू फॉम एफ एंड एफ डैश ये ठीक है विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड कॉस ये ठीक है और विद रिस्पेक्ट टू टैन एंड कॉट ठीक है कहने का मतलब क्या मान लिया अगर नेगेटिव पावर है या फ्रैक्शनल पावर है तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे हमने क्या किया कि मान लिया को टी रखने की कोशिश किया तो उसके लिए हमें कॉसेक्स चाहिए ठीक है थीके? तो हमने क्या कि किया पूरे एक्सप्रेशन में से एक जबरदस्ती कॉसेक्स बाहर निकाला ठीक है और फिर देखा कि जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो सारा साइनक्स में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर मान लिया वो बचा हुआ सारा एक्सप्रेशन साइनिक्स में कन्वर्ट हो जाए तो साइनक्स को टी बोल दिया कॉसेक्स जो बाहर निकाला है वो डी टी बनाने का काम आ जाएगा ये वर्क नहीं किया तो फिर हमने क्या किया पूरे एक्सप्रेशन में से फोर्सिबली जबरदस्ती एक सेक्स एक्स बाहर निकाला और जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो हमने देखा कि एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर बचा हुआ एक्सप्रेशन एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो फिर टेनेक्स को टी रख दिया ठीक है ओके सो क्वेश्चन वन से इंटीग्रेशन ऑफ 10x एक्स अपॉन साइन एक्स इन कॉस एक्स डीएक्स मान ली ये क्वेश्चन है आंसर सबसे so, पहले तो हमने क्या किया एक कॉसेक्स लिया ठीक है एक कॉस मतलब साइन कॉस को बनाने की कोशिश किया ये जो क्वेश्चन है उसमें हमने क्या किया एक कॉस एक्स डीएक्स के साथ ले लिया कॉसेक्स क्यों नहीं लिया क्योंकि साइनेक्स को टी रखना चाहते हैं ठीक है अब ये जो कॉसेक्स हमने डीएक्स के साथ लिया तो फिर एक नीचे भी कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आ गया ठीक है फिर हमने देखा कि वो जो कॉसेक्स है उसको तो डीएक्स के साथ छोड़ दो बचा हुआ सब कुछ साइनक्स के टर्म्स में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा तो ये तो साइनेक्स हो गया इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ये भी कॉस स्क्वायर बन जाएगा ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस स्क्वायर भी वन माइनस साइनस स्क्वायर के टर्म्स में लिखा गया वेल एंड गुड बट ये जो रूट टेन एक्स है ये ठीक है इसमें तो साइन नहीं आ पाएगा सॉरी इसमें तो जैसे साइन अप कॉस आएगा तो वो जो कॉस आएगा उसका क्या करेंगे उसको अगर कर साइन में कन्वर्ट करोगे तो रूट के अंदर रूट आ जाएगा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया इतना कॉम्प्लिकेशन देख के हमने छोड़ देगी ये तो काम नहीं करेगा ठीक है ये तो पहला चीज़ मतलब हमारा फेल हो गया फिर हम क्या करें फिर हमने बोला कि दूसरी बार क्या किया कि सेक्सक्वास जबरदस्ती बाहर निकाल के देखा और फिर देखा कि सब कुछ टेन में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है मतलब सेक स्क्वायर एक्स तो एक बाहर निकाल दिया तो अगर इसे मल्टीप्लाई किया है तो फिर इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स फिर क्या एक कॉस एक्स फिर क्या एक साइन एक्स ठीक है सो दिस इज इक्व टू रूट टेन एक्स एक कॉस और एक सेक कैंसिल हो जाएगा साइन इन टू सेक सेक इज नथिंग बट वन ओवर कॉस ते तो ये तो साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है विच इज़ नथिंग बट टेन एक्स तो ये काम करके मतलब जो हमने फोर्सिबली एक सेक स्क्वायर एक्स बाहर निकाला उसके बाद जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है उसमें सब कुछ टेन के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया हो गया तो अच्छी बात है तो फिर हमने क्या किया टेन एक्स को टी रख दिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा डी टी ये हो जाएगा रूट टी अपॉन टी डी टी या फिर टी रेस्ट पर माइनस आफ डी टी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस्ट पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी ठीक है विच इज इक्वल टू टू रूट टी प्लस सी आंसर ठीक है मतलब t का मतलब क्या टू रूट टी टी किस को बोला है टेन एक्स को तो यहाँ पे फाइनली सब्सिट्यूट कर दिया की जगह टेनिक्स तो यह आंसर आ गया प्लस ऑफ कोर्स बाहर है ऐसे ठीक है ये हो गया हमारा एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू ले लिया से मान लिया से यू हैविंग साइनिक्स ठीक है रेस टू पार माइनस वन बाई थर्टीन इंटू कॉस एक्स रेस टू पार ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन डी एक्स ठीक है इसको पहले नीचे ले आके लिखा माइनस को ऐसे लिख के ना तो क्या साइन एक्स रेस टू पार वन बाई थर्टीन इंटू कॉस एक्स रेस टू पार ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन एक्स डी एक्स विच इज इंटीग्रेशन ऑफ फिर वापस वही देखा हमने सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करके देखा ऊपर नीचे ठीक है और देखा कि एक सेक स्क्वायर एक्स निकालने के बाद बच्चा वो टेन स्क्वायर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है तो सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो साइन डेस्ट पर वन बाई थर्टीन कॉस रेज टू पर ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स ठीक है सेक स्क्वायर एक्स है ये साइन है ये कॉस है विच इज इक्वस टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन बाई परटीन ठीक है कॉस रेज टू ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन एक्स और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को मतलब डिनोमिनेटर में जाकर लिख दिया चलो ऊपर एक डी एक्स पाएगा इसको लिख दिया वन अपॉन कॉस स्क्वायर ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स उसे स्क्वायर को लिख दिया ट्वेंटी सिक्स बाई थर्टीन एक्स ठीक है थर्टीन इंटू टू ट्वेंटी सिक्स होता है तो ये ट्वेंटी फाइव बाई थर्टीन है या ट्वेंटी सिक्स बाई थर्टीन है तो कैंसिल होके वन बाई थर्टीन बच जाएगा तो फाइनली ये कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स रेस्ट टू पार वन बाई थर्टीन ऑन कॉस एक्स रेस्ट टू पार वन बाई थर्टीन एक्स ठीक है विच इज इक्व टू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स रेस्टू पार वन बाई थर्टीन डी एक्स ठीक है वापस अब तो ये बचा हुआ सारा टेन में कन्वर्ट हो गया तो इस टेन एक्स को टी बोल दिया सेक स्क्र एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा ये सेक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा बस अगर ये टेन एक्स को अगर एफ बोला है तो ऊपर एफ डैश हो गया ऐसे ही बोल सकते हैं डायरेक्टली एफ डैश को छोड़ दिया और एफ एक्स को एक्स की तरह ट्रीट कर लिया तो ये तो हो जाएगा एक्स रेस्टू पर माइनस वन बाई थर्टीन का इंटीग्रेशन तो एक्स रेज टू पावर माइनस वन बाई थर्टीन में एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व बाई थर्टीन हो जाएगा टेन एक्स रेस्ट पर ट्वेल्व बाई थर्टीन अपॉन ट्वेल्व बाई थर्टीन प्लस सी ठीक है या आंसर आ गया टेन एक्स रेस्ट पर ट्वेल्व बाई थर्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व बाई थर्टीन प्लस सी दिस आंसर ठीक है